मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अबरार अली मोती चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आपको सेवेंथ क्लास की साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, इससे पहले कि हम अपनी साइंस स्टार्ट करें, हम अपनी बुक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपकी साइंस की बुक है, रॉयल इंडिया पब्लिकेशन की साइंस की बुक है। जब आप इस बुक को मार्केट से परचेज करके लेकर आएंगे तो आपको ये साइंस बुलेट दिखाई देगी और ये हमको सेवेंथ क्लास में स्टडी है। ठीक है, तो ये हमारी साइंस की बुक है, बहुत इजी लैंग्वेज है इसकी। और आज हम अपना साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए तो देखते हैं हमारे पहले चैप्टर में क्या क्या है, क्या नाम है उसका और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, हमारे फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है, इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, हम न्यूट्रिशन इन प्लांट तो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो हम उन न्यू वर्ड्स को भी कवर करेंगे। चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से न्यू वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी चीज़ आपको आगे टफ़ वर्ड आने वाले हैं, वो टफ़ वर्ड आपको पहले ही दिए गए हैं, तो पहले हम टफ वर्ड जो हैं उनको समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं कि हमको इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना, तो ये हमारे चैप्टर की डिटेल है जो हमको पढ़नी है इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, और देन उसके बाद में हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। देन उसके बाद में हमको इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ना है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर में, फिर जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट में, उसको देखना है। ठीक है, और फिर इसके कुछ और टाइप्स होते हैं हेटरोटाइप, हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स में हमको पैरासाइटिक प्लांट देखना है, हमको सेप्रोफाइटिक प्लांट्स पढ़ना है, इंसेक्टिवोरस मीन्स जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, और सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें इससे पहले चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो आपको फेस करना पड़ेंगे, नए वर्ड्स हैं, हो सकता है आपने सिक्स क्लास में इनको पढ़ा हो, और ये भी पॉसिबल है कि आपने सिक्स क्लास में इन वर्ड्स को नहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं। जब आप बुक लेकर आएंगे तो आपको ये पूरे डिटेल में दिख जाएगा। ठीक है, तो पहला जो वर्ड हमको समझना है वो है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है हमारी बुक में, द बेसिक फंक्शन विच अलाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लाइव ऑन द अर्थ। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, उसको जीने के लिए अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए जिन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है उनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब कौन कौन से बेसिक फंक्शन होते हैं, तो आप याद रखिए, हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीदिंग बेसिक फंक्शन है। अगर ब्रीद नहीं करेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। इसी तरह हम न्यूट्रिशन गेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, खाना खाते हैं, तो जो फूड हुआ, फूड हमारी बेसिक नीड है हमारी, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। इसी तरह हम अर्थ पर चलते हैं, अगर हम चलेंगे नहीं तो डेथ तो नहीं होगी, लेकिन हम एक जगह बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, ये हमारी बेसिक नीड है चलना। ठीक है, इसी तरह जो डाइजेशन है, जब खाना खा लिया तो उसका डाइजेशन होना ज़रूरी है, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमको प्रॉब्लम आएगी, तो डाइजेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, उन सभी बेसिक फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट जो है वो न्यूट्रिशन है, ये हमारा चैप्टर का नेम भी है। एक्चुअली हमको न्यूट्रिशन नहीं पढ़ना है, हमको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने हैं। ठीक है, एनिमल के बारे में हम ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने सिक्स क्लास में सोर्स ऑफ फूड पढ़ा होगा, उसमें आपने एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा होगा और दूसरे फूड्स आइटम भी पढ़े होंगे आपने। ठीक है ना, आपको टीचर ने बताया होगा सिक्स क्लास में कि किस किस टाइप के फूड आइटम्स होते हैं। ठीक है, और हमने ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो सेवन्थ क्लास में हम
फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन का बेसिक जो मीन है वो सिर्फ खाना खाने से है, जो ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है फूड की उसको हम न्यूट्रिशन बोल देते हैं। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइज बाय द बॉडी, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जो थर्ड वर्ड हमको देखना है वो है ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स के बारे में भी हमको जानना है, ये वर्ड भी आपको बुक में देखने की मिलेगा। तो ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि आपकी मदर भी किचन में वर्क करती हैं, तो आपकी जो मम्मी किचन में वर्क करती हैं तो किचन में खाना बनाती नहीं है, कुक, शी कुक योर फूड, वो आपका खाना पकाती हैं। बनाने का काम किसका है? जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना सेल्फ बनाएंगे, सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस एक स्पेशल प्रोसेस होती है जो सिर्फ प्लांट में होती है, और प्लांट्स क्या करते हैं, अपना जो उनका फूड होता है उसको बनाते हैं वो। तो बनाने का काम किसका है? प्लांट्स का। और पकाने का काम किसका है? ह्यूमंस का। हम उसको रो प्लांट मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं और उसको पका के भी खा सकते हैं, हम दोनों काम कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, हमको इस प्रोसेस के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉप्स। अब हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो अपना खाना बना नहीं सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, ये एनिमल भी हो सकते हैं और प्लांट भी हो सकते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स, इसकी डेफिनेशन हमारी बुक में क्या है? ऑर्गेनिज्म्स दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड ड्राइव फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। ठीक है, जो अपना जो उनका खाना होता है वो खुद नहीं बना सकते हैं और उसको वो ड्राइव करते हैं, प्लांट से कर सकते हैं या एनिमल से कर सकते हैं या फिर वो दोनों से ही कर सकते हैं। ह्यूमन जो है, ह्यूमन अपना जो फूड होता है वो प्लांट से भी गेन कर लेता है और एनिमल से भी ले लेता है। ठीक है, हम जब न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। चलिए अगला जो वर्ड है वो है पैरासिटिक प्लांट्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, मींस अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के फॉर्म में खा जाते हैं। कितना अमेजिंग लग रहा है ना, प्लांट्स और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाएंगे। ठीक है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो हम ये भी देखेंगे पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, अगला जो है वो है होस्ट। होस्ट क्या होता है? होस्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच अ पैरासाइट ड्राइव इट्स फूड। ठीक है, क्या होते हैं होस्ट? होस्ट वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, मस्किटो। अब मस्किटो क्या होता है? मस्किटो हमारा ब्लड सक करता है, तो मच्छर के लिए हम क्या होगा? होस्ट। हम उसको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? ब्लड, वो हमारा खून पिएगा, सक करेगा। ठीक है, तो मॉस्किटो हो गया पैरासाइट और हम क्या हो गए? होस्ट। तो होस्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे पैरासाइट को फूड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, फिर अगला न्यू वर्ड क्या है? सेप्रोफाइटिक प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ग्रो करते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसके ऊपर ग्रोथ करते हैं, ग्रो करते हैं, उसके ऊपर वो सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक प्लांट। अगला जो न्यू वर्ड आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा वो है इंसेक्टिबोरस प्लांट। ठीक है, अब इंसेक्ट का मतलब तो आपको पता है, ये इंसेक्ट होते हैं छोटे एनिमल्स, लिटिल एनिमल्स जो होते हैं उनको हम इंसेक्ट बोलते हैं, कीड़े। ठीक है, अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इन छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं हम? इंसेक्टिबोरस प्लांट। और एक लास्ट न्यू वर्ड आपका दिया हुआ है बुक में, वह है सिम्बायोटिक प्लांट। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो किसी अदर प्लांट के साथ एसोसिएट होकर
सर्वाइव करते हैं। इसके डेफिनेशन बुक में क्या है, प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो दूसरे प्लांट के साथ में रहेंगे उनको अपना खाना शेयर करेंगे और शेल्टर भी शेयर करेंगे। तो ये क्या थे, ये थे हमारे न्यू वर्ड्स। चलिए अब हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। चलिए इसको हम पढ़ के देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सबसे पहली चीज़ जो हमको समझनी थी वो था लाइफ प्रोसेस, जो हमने अभी आपको न्यू वर्ड में समझाया। इसमें भी लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन टू कीप देमसेल्फ अलाइव। दीज बेसिक फंक्शंस विच अलाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव ऑन अर्थ आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये क्या थी डेफिनेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनको ये काम करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये लाइफ प्रोसेस होती हैं। अब देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस होती कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए उनको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ और आप इनको नोट करते जाइए कौन कौन सी प्रोसेस हैं। तो देखिए सबसे पहली प्रोसेस कौन सी है, न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरी प्रोसेस कौन सी है, रेस्पिरेशन, फिर एक्सक्रीशन, फिर ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, देन मूवमेंट। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। चलिए अब आगे हमको देखना है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन से पहले हमको फूड समझना होगा, फूड क्या होता है। तो देखिए फूड क्या है, हमने सिक्स क्लास में पढ़ा है, एज यू हैव लर्न इन सिक्स क्लास ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। ठीक है, तो सिक्स क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सिक्स क्लास में हमने पढ़ा था जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इसको वो क्या करते हैं, इस फूड से उनको क्या मिलती है, इस फूड से उनको एनर्जी मिलती है, इस एनर्जी का क्या करते हैं, इस एनर्जी से वो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। जो एनर्जी मिलेगी उसे क्या चीज़ कंप्लीट करेंगे, कौन सी चीज़ परफॉर्म करेंगे, लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना, तो लाइफ प्रोसेस को वो कंप्लीट करते हैं। अब इसमें एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डू सो एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ह्यूमन एंड एनिमल्स आर दस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। ठीक है, अब ह्यूमंस भी हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट के ऊपर। केवल ह्यूमंस नहीं, ह्यूमंस के साथ में अदर एनिमल्स भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट के ऊपर। जैसे सपोज करो आपको गावा फ्रूट खाना है, आपने पापा को बोला कि पापा आप मार्केट से प्लीज सम गावा फ्रूट्स। अब गावा कहाँ से मिलेगा आपको, गावा तो आपको प्लांट से मिलेगा, तो हम प्लांट के ऊपर डिपेंड हो गए। सपोज कीजिए आपने अपने फादर को बोला कि फादर प्लीज़ बाय सम एग्स फ्रॉम द मार्केट। आप बाज़ार जाइएगा और वहाँ से एग लेकर आइएगा। अब एग किससे मिलेगा हमको, एग मिलेगा हैन से, और हैन क्या खाती है, हैन खाती है ग्रेन्स, और ग्रेन्स कहाँ से मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं प्लांट से। ठीक है, तो जब हम एग खाएंगे तो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड हो गए, और जब हम गुआवा फ्रूट खाएंगे तब हम डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड हो गए। इसी तरह अदर एनिमल्स भी प्लांट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे हमारे चैप्टर में क्या है। आगे हमको देखना है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, आपको दिख रहा होगा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग
फूड एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी, आपने खाना खाया और आपकी बॉडी ने उसको यूटिलाइज कर लिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो अब न्यूट्रिशन की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, राइट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन और व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आपका आंसर क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज और यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में क्या होता है और देखें हम, तो फूड प्रोवाइड अस विद अ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ आर बॉडी। अब जो फूड होता है, फूड से हमको क्या मिलता है? फूड से हमको मिलता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फूड से आपको क्या मिलेगा? फूड से आपको और हमको मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड प्रोवाइड्स अस विद अ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इनसे क्या होता है? विच आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाती है। जैसे आपको हम बताएं, हमारी जो आईज होती हैं, आईज के प्रॉपर फंक्शन के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। अब ये हमको कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा फूड से। तो विटामिन क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह हमारी बॉडी को और क्या चाहिए? हमारी बॉडी को विटामिंस के अलावा मिनरल्स भी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए और प्रोटीन भी चाहिए। देखते हैं हमारी बॉडी की नीड क्या क्या है। तो देखिए, द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर, अब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती है एनर्जी। ठीक है, फिर जो सेकंड न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हैं? वो हैं प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है प्रोटीन एंड फैट एंड विटामिंस एंड मिनरल्स, ये सब क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। ये कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं? ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसको आप नोट करते रहिए, जिस चीज़ के ऊपर आपको एम्फसाइज़ किया जाए उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आपको समझने में भी अच्छा लगेगा और याद भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे जो टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दिख रहा है आपको? चलिए आपको हाईलाइट करके बताते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये रहा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को आप टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी समझ सकते हैं, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। मींस अर्थ पर इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो सब किस तरीके से अपना फूड खाते हैं या खाना खाते हैं, किस तरीके से वो अपना फूड अदर ऑर्गेनिज्म से गेन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस टाइप को बोलते हैं हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पहला है ऑटोट्रॉप और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो अपना जो फूड होता है वो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो काम करते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं? वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना जो फूड होता है वो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज़म्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक और दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन होता है, उसको बोलते हैं हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ये रहा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज़म्स टेक इन रेडीमेड फूड देयर फ्रॉम प्लांट और एनिमल। क्या करते हैं इस न्यूट्रिशन में, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो अपना फूड रेडीमेड मतलब पहले से बना हुआ यूज़ करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज़म जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
करते हैं उनको हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। और जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो उनकी स्पेशल क्वालिटी क्या होती है, हेटरोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड ड्राई फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड प्लांट से या एनिमल से या दोनों से ही गेन करते हैं, उन्हीं से लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और इसको हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अब देखिए इस बुक में पेज नंबर 6 पर एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। ये क्या है, कैटेगरी ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ईटिंग हैबिट के बेस पे हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन हमने पढ़े ऑटोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉप्स हैं या नहीं। तो देखिए ये ग्रीन प्लांट्स बने हुए, इनके नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑटोट्रॉप्स। इसका मतलब क्या है, प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब प्लांट्स को कौन खा रहा है, प्लांट को एक हर्बीवोर एनिमल, आपको यहाँ ये डियर दिख रही है, ये डियर, ठीक है। तो डियर क्या खाती है, घास खाती है, ग्रास, ठीक है, हर्बीवोर्स हैं। अब ऑटोट्रॉप्स में यहाँ जो आप देख रहे हैं एक मैन का फोटो बना हुआ है, मैन पिक्चर। अब ये मैन किस किस को खा सकता है, मैन प्लांट्स को भी खा सकता है और हर्बीवोर एनिमल को भी खा सकता है। तो ऐसे एनिमल जो दोनों को खा लेते हैं, ऑटोट्रॉफ को भी और हर्बीवोर को भी, मीन्स प्लांट को और एनिमल को, उनको क्या बोलते हैं हम, ओमनीवोर। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओमनीवोर लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो केवल हर्बीवोर एनिमल को ही खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर। तो कार्निवोर कौन है, लायन। अब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है राइट वन एग्ज़ाम्पल ऑफ ओमनीवोर, तो क्या एग्ज़ाम्पल होगा, ह्यूमन। राइट वन एग्ज़ाम्पल ऑफ हर्बीवोर, काउ, बफेलो, गोट और गोट और डियर। राइट वन एग्ज़ाम्पल ऑफ कार्निवोर, ये हो गया लायन, लेपर्ड, टाइगर, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कैटेगरी ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। तो ये हमने ईटिंग हैबिट के बेस पर ऑर्गेनिजम्स देख लिए, ठीक है। तो हमको इस चैप्टर में किसको कवर करना है, इस चैप्टर में हम केवल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम प्लांट्स के अदर ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।